हेलो गाइज, वेलकम टू वी एन टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अप्रैल में वन प्लस के दो स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं, जिसमें वन प्लस नोड 3, जिसके बारे में हमने फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो कल डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, मैं इधर काट के ऊपर दे दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको वन प्लस नोड CE2 लाइट के बारे में बताने वाला हूँ, और ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको मिड रेंज में देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, वन प्लस नोड CE2 लाइट की लॉन्च से पहले फुल स्पेसिफिकेशन आ गई है, काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन पर भी रिलीज हुआ था, और बताया जा रहा है कि अप्रैल में आपको स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया में देखने को मिल सकता है। वन प्लस नोड CE2 लाइट क्या और स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, क्या प्राइस होने वाले और कब आने वाला है, सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए, और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बॉडी डिजाइन और लुक के बारे में बात करें तो वैसे इसकी कुछ फोटो लीक नहीं आई है, लेकिन दोस्तों वन प्लस नोट CE2 जो भी डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ था, वैसी कुछ डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा और फ्रंट में पंच होल सेल्फी कैमरा होगा। अब सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों, इधर 6.59 इंच की फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले होगी, हायर रिफ्रेशन नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल 60 हर्ट्ज की पैनल होने वाली है। पंच होल डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी, ओवरऑल डिस्प्ले तो काफी अच्छी है। और दोस्तों, इधर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर होगा, जिसमें एड्रेनो 619 GPU है। वैसे दोस्तों, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है, गेमिंग भी आप इसमें मिड गेम ग्राफिक्स पर कर पाओगे, और डे टू डे लाइफ में कोई भी लेग शटर नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस तो काफी तगड़ा होने वाला है। और दोस्तों, इधर 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। जैसे दोस्तों, 4K वीडियो शूटिंग होगा रियर कैमरे से, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी होगी, जिसमें भी फुल HD वीडियो शूटिंग होगा। फ्रंट और रियर दोनों से ही वीडियो क्वालिटी और फीचर्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा। बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, चार्जर भी अच्छा है, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट होगा। और दोस्तों, इधर ऑक्सीजन OS 11 मिलेगा जो एंड्रॉइड 11 पर बेस है। साथ में इधर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक अनलॉक का सपोर्ट, लेटेस्ट ब्लूटूथ और वाईफाई वर्जन्स, और एक्स्ट्रा जो भी जरूरी सेंसर है, जायरो, प्रोक्सीमेट्री, सभी सेंसर का सपोर्ट होगा। और दोस्तों, इधर 3.5 हेडफोन जैक का भी सपोर्ट होगा, और सभी स्पेसिफिकेशन के साथ वन प्लस नोड CE2 लाइट इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब वेरियंट और प्राइस के बारे में बात करें तो इसके कुछ दो वेरियंट हो गए, जिसमें 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, ऐसे दो वेरियंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, बेस वेरियंट की प्राइस इंडिया में 20,000 से अप होगी, मेरे हिसाब से 21,000-22,000 से बेस वेरियंट की प्राइस स्टार्ट होगी, और आगे वेरियंट की हिसाब से प्राइस देखने को मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, वन प्लस नोड CE2 लाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप एक्साइटेड हो, क्या आप वेट कर रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो दोस्तों, इतना था आज वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।